हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वह एक ऐसी क्रीम जो हमारे स्किन को लाइटिंग, हमारे स्किन के पिगमेंटेशन और हमारे स्किन का सन स्पॉट वह हमारे स्किन के मैनेजमेंट व मेलनीकरण को बिल्कुल सही करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस देखो, मैं आपको बता दूं, हमारे स्किन पे वह डल कब होती है, हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन कब आता है, तब हमारे वह मेलनीकरण जब बढ़ जाता है, वह हमारे स्किन से हमारे स्किन को धूप से कोई प्रॉब्लम आती है या हमारे स्किन पे कोई क्रीम साइड इफेक्ट्स कर जाती है, तब हमारे स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, इसी का सोल्यूशन आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके यूज के बारे में, इसके क्रीम के बारे में कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए। गाइस, मैं आपको बता दूं इस क्रीम के बारे में बताऊंगा ये क्रीम आपकी स्किन पर किस तरह से वर्क करेगी। गाइस, तो बात करता हूं, इस क्रीम का नाम है गाइस ड्रम लाइट क्रीम। गाइस, ये ड्रम लाइट एक ऐसी क्रीम जो हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली। गाइस, इसके बारे में आपने बहुत कम वीडियो देखी होगी कि गाइस मैं आपको बता देता हूं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो हमारे स्किन पर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, कई ऐसे कॉस्मेटिक क्रीमों में भी यूज किया जाता है। तो बात कर लेता हूँ क्रीम के बारे में। गाइस, ये एक्जाम में टायरोसोनिक को बिल्कुल कम करता है, जिससे हमारे मेलनीकरण की जो प्रॉब्लम होती है बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हमारी स्किन जो डार्क बिल्कुल लाइटिंग बन जाती है, सन स्पॉट बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन हो जाता है, पिगमेंटेशन वो बिल्कुल हट जाता है और हमारी स्किन अच्छी तरह से खूबसूरत दिखना स्टार्ट हो जाती है दूध की तरह। गाइस, मैं आपको बता, हमारे को अब जब हमारी स्किन बिल्कुल व्हाइटनेस होती है और हमारी स्किन लाइटनेस होती है तो हमारी स्किन पर अच्छा लुक ही प्रदान करता है। गाइस, इसी के साथ मैं आपको बता, ये जो ये क्रीम है गाइस बहुत अच्छी क्रीम, हमारी स्किन को सन स्पॉट में, हमारी स्किन पिगमेंटेशन दाग धब्बे सबको हटाने में बहुत हेल्प करेगी। स्किन को लाइटनिंग करने वाली एक क्रीम है जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्प होती है, स्किन को व्हाइटिंग ब्राइटिंग करेगा। गाइस, ये हमारे स्किन को इस तरह प्रकार से फायदेमंद करने वाली। बात करता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके अंदर लूमी स्किन, मशरूम एक्सट्रैक्ट, बियरबेरी एक्सट्रैक्ट और लिकोरिक एसिड, जो ये इंग्रेडिएंट्स है, इतने इंग्रेडिएंट्स है गाइस अच्छे, जो हमारी स्किन को लाइटनिंग बनाता है। ब्लैकबेरी, बियरबेरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमारी स्किन को अच्छा पोषण प्रदान करता है, वह हमारे डार्क स्पॉट है तो उसको हटाने में बहुत हेल्प करता है। मुल्टी का अर्क जो उपयोग है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी स्किन को अच्छी तरह से लाइटनिंग बनाने में बहुत, आपने कहा जैसे कोजिक एसिड वाली क्रीमों में भी यूज देखा होगा इसका, कोजिक एसिड वाले भी हमारी स्किन की लाइटनिंग करता है, तो उसके अंदर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारी अच्छी तरह से स्किन लाइटनिंग हो जाती है, इसलिए उसके अंदर वे इसके अंदर मिलाया जाता है। गाइस, ये हमारी स्किन को इस तरह से महफूज रखती है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैंने बता दिया, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए इसके मुताबिक यूज किए, जो हमारी स्किन के सारी जो प्रॉब्लम उसको हटाने में बहुत हेल्प करती है। मैंने कहा जैसे ढेर सारी क्रीमों के बारे में बताया, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया बिल्कुल हटके इंग्रेडिएंट्स, जो हमारी स्किन को अच्छी तरह से पोषण प्रदान करता है, इससे हमारी स्किन ना तो रेडनेस होगी ना हमारी स्किन पर किसी प्रकार की सेंसिटिव होने वाली। गई हमारी स्किन पर कई ऐसे प्रॉब्लम वाली कई ऐसी क्रीम आती है जिससे हमारी स्किन रेडनेस पर सेंसिटिव और रेड हो जाती है, तो इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ क्रीम सही होती है, क्योंकि गाइस मैं हमेशा इसी क्रीम लेकर आता हूँ जो हमेशा आपकी स्किन के लिए सही हो, आपकी स्किन बिल्कुल रेड नहीं कर सके, इसलिए हमेशा बोलता हूँ ये क्रीम आपकी स्किन के लिए सही रहेगा। गाइस, ठीक है ना गाइस, इसलिए मैं हमेशा आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये क्रीम आपके लिए अच्छी तरह से हेल्पफुल और अच्छी तरह से स्किन लाइटिंग करती रहेगी। ठीक है, देखो इसके बारे में मैंने बता दिया। बात करता हूँ उसके यूज के बारे में। अगर आप इसका अच्छा खासा रिजल्ट दिखाना स्किन पर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो सुबह उठने के बाद सन क्रीम का यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नाइट में सोते समय इस क्रीम का यूज करना, फिर उसको सुबह उठने के बाद तो अच्छा फेस, अच्छा कोई सन क्रीम जब आपकी स्किन पर सूट कर जाता है उसका यूज करोगे तो आपकी स्किन पर अच्छा वर्क करेगी और आपकी स्किन पर किसी तरह कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको छुटकारा पाने में अच्छी हेल्प करेगी। ठीक है, बात करता हूँ बेनिफिट, इससे आपको स्किन पर काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। गाइस, ये आपको एक ऐसी क्रीम है जिससे किसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई अच्छा ही आपकी स्किन पर रिजल्ट दिखाई। गाइस, जैसा कि नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ लाइटिंग है तो गाइस लाइटिंग नहीं दिखाएगी, आपकी स्किन को धीरे धीरे लाइटिंग करेगी, लेकिन बहुत अच्छा स्किन पर लाइटनिंग करने वाली क्रीम है। गाइस, देखो गाइस आज की वीडियो में इतना था, फिर भी कोई भी क्वेश्चन रह जाता है इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको 100% मैं रिप्लाई करूंगा, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे को मैसेज कर देना। आज की वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना।